फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं परी का फुल डे रूटीन। तो परी है 2.6 ईयर की, यानी 2.5 साल की है वो अभी। और टाइम अराउंड अभी शायद 8 o'clock के आसपास टाइम हुआ है। स्कूल जैसे सबको पता है अभी क्लोज है, तो कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जब मन करता तब सो के उठते हैं, जब मन करता तब सोते हैं। तो वो दोनों अभी घोड़े बेच के अपना सो रहे हैं। तो उसका अराउंड 9 o'clock के अराउंड उसका टाइम होता उठेगा, 9 से 9:30। तो अभी 8:15 हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कब तक वो उठती है। गुड मॉर्निंग पारू। पारू, गुड मॉर्निंग। कहाँ हुआ? लिली में। ठीक है परी, गुड मॉर्निंग। सब बोल रहे हैं परी का वीडियो बनाऊं। परी पूरा दिन क्या करती है? क्या है ये? किंडर जॉय में निकला? तो थोड़ा लाउड बोलो ना, तभी तो पता चलेगा। किंडर जॉय में निकला परी का टॉय, रात को लेके सोई थी, इसी के साथ उठी है। ओके। अब नहीं खाओगे ना? नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे ना पिंड में? इसमें ओके। तेरे मामू आ गए यार, तू नहीं लाए मशीन काट दे तेरे बाल। चलो ठीक है, अब गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। हाँ देखा भाई, ये वाला टॉय भी भाई। चलो अब गुड मॉर्निंग तो बोल दे एक बार सबको। वेरी गुड, गुड गर्ल। ये लो दिखा दे। गुड मॉर्निंग। ये भी। चलो भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अभी परू क्या करेगा? मेरे साथ खेलेगा थोड़ी सी देर, मस्ती भैया के साथ। नो बस ये ड्रामे चलते रहते परू। पिटाई पिटाई। परू को क्या खाना है? पिट्टी कर दूँ इसकी। क्या खाना है परू को? जल्दी बताओ। ओए इतना सोचता है। एग, एग बना दूं? अच्छा ना, इतना नहीं सोचते हैं। चलो पहले परू पानी पिएगा, ठीक है? वॉशरूम जाएगी, पानी पिएगी, फिर परी क्या? डाले हैं ये क्या? आप धो ले, आप वॉश कर लो। खुद कर ले, ले। आपे आपे कर दो। चलो आपे लो तो बस, ले हो गया बस। तो परी का सुबह उठ के फेस वॉश करवाते हैं एंड ब्रश। तो डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। आज जैसे उसने फेस वॉश भी अच्छे से नहीं किया है, ना ही ब्रश किया, तो ब्रश फिर मैं उसको नहलाते हुए कर दूंगी। तो ऐसा नहीं है कि उसको फोर्सफुली ही करवानी है सारी चीज़ें। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी इन चीज़ों को। तो फिलहाल तो आज उसका यही है, अदरवाइज सुबह उठ के उसका अच्छे से फेस वॉश खुद ही कर देती वो बैठ के वहाँ पर, बट आज नहीं किया है। उसके बाद उसको पानी पिलाते हैं, तो पानी तो मस्ट है।
वही है कि चाहे वो कितना भी पिए, दो सिप पिए, थोड़ा सा पिए, जितना भी पिए तो उसको पिला दिया जाता है, लेकिन आज वो भी ड्रामे ही कर रही है तो उसने जस्ट दो सिप पिया है, अदरवाइज वो पी लेती है ठीक ठाक। तो सुबह अगर होश के तो आप गुनगुना पानी पिला दीजिए, लेकिन गर्मी है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर का टैप वाटर जो होता है उतना ही हमारा होता है, जो हम बोतल मंगवाते हैं आरो जितना, वो ही उसको पिलाते हैं। तो ठंडा पानी तो हम पूरी गर्मियाँ वैसे भी यूज नहीं करते फ्रिज वगैरह का, और यहाँ पे उसके बस ड्रामे चलते रहते हैं और बहुत देर तक उसको मतलब पैम्पर करना पड़ता है, हम उसको गोदी में लेना पड़ता है, विनोद होता है तो विनोद करते हैं, अदरवाइज फिर मुझे करना पड़ता है, तो तभी वो जा करके ठीक होती है। और अगर वो जब उठती है उसके पास कोई ना होना तो फिर गुस्से में आएंगे और फिर आके मारना स्टार्ट कर देती है, तो उसको मॉर्निंग में कोई ना कोई अपने पास चाहिए होता है। और जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था ना ये टॉयज, आज परी को ये टॉय दिखाई दे गए तो बस अब उसको ये टॉय लेने ही लेने हैं, कुछ नहीं करना इनका, बट उसको दिखाई दिया कि उसके टॉय हैं यहाँ पर तो वो मुझे चाहिए, तो ऐसे ही होता है। इसलिए मैंने सोचा था यहाँ उसकी नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे पानी पीने के लिए आई तो वो भी उसने ले लिया। तो कुछ इस तरह की मॉर्निंग होती है और हर बच्चा अलग होता है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पैम्पर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन परी को मॉर्निंग में ज़रूर चाहिए, अदरवाइज वो फिर पूरा दिन चिड़चिड़ी रहती है। तो सुबह एक बार थोड़ा सा टाइम उसको हमें देना ही पड़ता है, थोड़ा सा उसके साथ बातें करनी पड़ती है, उसके साथ खेलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर नीरव के उठने के बाद वो दोनों थोड़ी सी देर खेलते हैं, जब तक कि मैं उनका जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी नहीं करती। और ब्रेकफास्ट भी डेली डिफरेंट होता है, और मैंने उसको कोई भी ऐसी हैबिट नहीं डाली कि स्पेशली उसके लिए कुछ ऐसा बनेगा और बाकी फैमिली वालों के लिए कुछ अलग बनेगा, तो जो लोग हम खाते हैं सारे मिल करके वही खाते हैं हम लोग। और परी का अभी नीरव के साथ खेल रही है और फिर उसका हो जाएगा अब ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट, तो ब्रेड ऑमलेट परी खा लेती है, तो पहले क्या करती हूँ ब्रेड पे अच्छे से घी लगा करके दोनों साइड से उसको मैं अच्छे से उसको मतलब क्या करेंगे पका लेंगे, मतलब जो भी होता है दोनों साइड से ब्रेड में घी लगाने से क्या होता है कि बच्चों को घी भी मिल जाता है और वो थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाती है, तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो पहले ब्रेड को सेक लिया मैंने दोनों तरफ से, फिर एक एग को मैं डायरेक्ट ऐसे डाल देती हूँ फ्राई पैन में, और इसमें भी मैंने घी डाला है पहले थोड़ा सा, 1/4 स्पून घी डाल लीजिए, बटर में बना लीजिए, ऑयल में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और उसके ऊपर मैंने सॉल्ट और काली मिर्च डाली है बस, और कुछ भी नहीं डालना है, बस इतना सा ही डालती हूँ, और फिर ब्रेड को लगा करके और जो ब्रेड ऑमलेट है वो आपकी रेडी हो जाती है। तो इससे बच्चों को क्या होता है कि जो मॉर्निंग में उनको प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा उसका ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया है, ऐसा नहीं कि वो पूरा खाएगी, कभी कभी पूरा भी खा लेती है, कभी छोड़ भी देती है, तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अननेसेसरी फोर्स ना करें। आप बच्चों को जल्दी जल्दी दे दें लेकिन उनको किसी भी खाने के लिए अननेसेसरी फोर्स ना करें, अगर वो कोई नहीं खाता है तो दूसरा चीज़ आप उसको ऑफर कर दीजिए, लेकिन फोर्स नहीं करना है। तो मैं उसको दे देती हूँ, कभी इसमें से छोड़ देती है, कभी खा लेती है, क्योंकि इसमें से अगर वो छोड़ देगी तो मैं और जो विनोद खाते हैं तो हम अपने में से उसको खिला लेते हैं, और वो इस टाइम पे खाना पसंद करती है अपने भाई के साथ, तो दोनों को मैं दे देती हूँ। और नीरव के साथ मैं उसको बोलती हूँ कि चलो कॉम्पिटिशन करते हैं, कौन जल्दी खाएगा, परी पहले फिनिश करेगी, परी जीत जाएगी, परी में ताकत आएगी, उस ऐसे ऐसे कुछ उसको बोल के खिलाना पड़ता है। और बहुत बार मुझे भी उसके साथ बैठना पड़ता है, वो कहती है नहीं मम्मा आप खिलाओ, तो मैं उसको बीच बीच में जाकर के खिलाती रहती हूँ, या फिर वो ट्राई करती है कि नीरव उसको खिलाए। तो जैसे आज बीच में मेरे को जाना पड़ा, फिर उसने बोला कि नहीं भाई खिलाएगा, तो वो नीरव के साथ खाने के लिए बैठ गई। तो इस तरह से मिल करके जब हम सब खाते हैं तो वो भी अच्छे से अपना खाना है वो फिनिश कर देती है। ऐसे देखना गलत बात होता है परी, ऐसे नहीं देखते, चलो आओ चले आओ चलो बाहर चले गया। कर ली छुपाई थी मैंने। अरे वेरी गुड भाई, गुड गर्ल है ये तो। हाँ, देख देख लिया। ठीक है, नहीं नहीं करके। क्या दिख गया? लिपस्टिक दिख गई। लिपस्टिक भी लगानी है अपनी। अब तो इस पे थोड़ी लगेगी, कैमरे पे थोड़ी लगेगी पगली।
मेकअप हटाया था और वहाँ पे छुपाया था, और आज मैं जब तैयार लगा दी कपड़ों की तो परी ने देख लिया कि मेरा सारा मेकअप वहाँ रखा हुआ है। और अब मैंने बोला नहाने के बाद चलो, तो अब चलो नहा के आते हैं। मैं भी अच्छा बच्चा हूँ, आप भी अच्छे बच्चे हो। अभी देखो अभी नहाने जा रही है। अच्छा थोड़ी देर में नहा लेना, चाय पीने दो पापा को चाय। और ये सब ड्रामे चलते रहते, बस एक बार जिद कर ली तो फिर कर ली। अब इसको ये है कि लिपस्टिक लगानी है तो मेरे को नहाना है। ये देखो अब देखते हैं कौन जीतेगा भाई, देखते हैं कौन जीतता है। कब तक और ये चलता है सारा दिन। ये देखो क्या है, ये मुंह में डालता कोई ठीक है। ये हाय छी, यू यू छी, बस इसके दिमाग में आजकल इतनी शैतानी चल रही है तो दुनिया भर की। परी परी आपके माइंड में सिर्फ शैतानी चलती है? हाँ। और कुछ नहीं चलता? नहीं। सब कहेंगे परी बहुत शैतान है। आप शैतान हो? नहीं बेबी, मुंह नहीं लगाते, छी ऑयल है वो। नो no. बात भी नहीं मानते ना। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए? हाँ मेरे को ये चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए मुझे। नहीं। चलो कितनी धूप है, चलो अंदर चलो 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 चलो, दुबी दुबी और रखिए। बस ये है, इसके सारे दिन इसके पीछे भागते रहो, ये गिराती पड़ाती रहेगी और हम ऐसे इसके पीछे लगे रहेंगे। भैया हेलो कर दो। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैं उनको दूध देती हूँ। ब्रेकफास्ट के साथ बहुत ही कम लेते हैं, मैं ट्राई करती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ ना दूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से कर ले। जैसे कि ब्रेड ऑमलेट है तो उसके साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ ऐसी चीज़ है तो उसके साथ बेशक से दे दूँ, अदरवाइज मैं उनको फिर बाद में ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने परी का जो दूध है बॉर्नविटा वाला, दोनों के लिए ही मैंने बनाया है यहाँ पर, तो मैं परी को दे देती हूँ। और परी नहा चुकी है तो विनोद जीत गए, परी और नीरव नहाए हैं। आजकल वो नहाना पसंद करती है अपने भाई के साथ और उसका भाई ही उसको रेडी करता है ड्रेस पहनाना और वो सब। तो यहाँ पे उसने ऑयलिंग कर दी है, उसको ड्रेसअप भी कर दिया, खुद भी रेडी हो गया है, तो बड़ा होने का फायदा हो जाता है। और ये देखिए जो मेरी नकल है ना वो करती है, बालों को नीचे करके और फिर ऊपर करना ऐसे। ये देखो ये यहाँ पे नकल कर रही है। ऐसे ही उसके दिन भर इतने सारे ड्रामे चलते रहते हैं दुनिया भर के। और अब उसको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आप सब लोगों को करके दिखा रही है, ऐसे करती है देखिए बालों को नीचे और ऊपर। बालों को जैसे हम करते हैं नीचे करके बालों को पोंछती और फिर ऐसे ऊपर करती हूँ, तो वही एक्टिंग कर रही है, तो ड्रामे करती रहती है। और ये ड्रेस पहनाई उसके भाई ने जो उसको बहुत पसंद आ रही है। और यहाँ पे इसका जो दूध है वो रेडी हो गया और इनकी मस्ती मतलब पूरा दिन में ऐसे ही चलता रहता है, बस इनके पीछे ही भाग भाग के निकल जाता है। और परी के तो ड्रामे आप देखते जाइए सारे दिन में क्या क्या वो करती हैं। तो ये दूध नीरव ने बोला कि मैं पीऊंगा तो नहीं, मुझे पीना है, मुझे ताकत लेनी है, तो ये ले लिया है। और हाँ परी को बोतल की कोई भी हैबिट नहीं है कि वो बोतल में ही पीती है, जस्ट मैं उसको सिर्फ इसलिए देती हूँ ताकि वो इधर उधर खेलते हुए पीती रहे, गिराए ना, बस इसीलिए। अदरवाइज ग्लास या मग में उसको दूंगी तो उसको एक जगह बैठ के वो पिएगी नहीं इतनी देर तक, और मतलब बैठ नहीं रहेगी, तो इसलिए बोतल में पिलाने का फायदा ये होता है कि वो अपना घूमती फिरती रहेगी और उसको फिनिश कर देगी, तो इसीलिए मैं बोतल में देती हूँ, अदरवाइज उसको कोई भी हैबिट नहीं है बोतल की। और यहाँ पे परी फिर अपना खेलने लग जाती है, नीरव की क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो ऐसे ही वो घूमती फिरती रहती है और अपना खेलती रहती है। तो उसने अब नई जगह ढूंढी है छिपने की, ऐसे ही कहीं पर भी बैठ के छिप जाएगी, या तो फ्रिज में छिप जाएगी, रैक में छिप जाती है, अलमारी में, ऐसे ही मतलब बाहर की तरफ ऐसे हो करके और ऐसे बैठ जाएगी। तो आज रैक उसने पहली बार लिया है रैक में बैठने का, तो हमने बोला कि ठीक है फ्रिज से तो अच्छा ही है, फ्रिज को खोल के बैठेगी तो उससे अच्छा रैक में ही छिप जाएगी इस तरह। तो जिनको लगता है कि परी कोई शैतानी नहीं करती, कुछ नहीं करती है, तो वो देख ले, ये उनके लिए प्रूफ है। स्पून उठा लाएगी, आजकल उसको है कि सारी चीज़ों को गिरा पड़ाती रहती है, तो ये देखो दूध जो दिया था उसमें से उसने इतना छोड़ दिया है, और जो स्पून है वो ला करके फैला दी है, और अब अपना दूसरे टारगेट पे चल पड़ी, स्पून से खेल के वहीं फैला दिया। अब दूसरा क्या है, अपने टॉयज वाला बॉक्स है वो उठाया
और अब इसको ड्रामे कर रही है कि इसको इसके ऊपर रखो, इससे रखा नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं खुद ही रखो, तो उसने ट्राई किया, देखो उठा भी नहीं रही, पहले नीचे पटक दे रही है। तो मैंने बोला तो मैं तो नहीं रख रही, तो फिर खुद से जाकर के उसने रखा। और अब क्या करेगी, अब बेड पे चढ़ के बेड के ऊपर ये सब फैला देगी। तो सारा दिन यही चलता रहता है। जिनको लगता था ना कि परी कुछ नहीं छेड़ती, कुछ नहीं फैलाती, तो ये उनके लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये सब सारे ड्रामे हैं परी के, वो चलते रहते हैं। तो नीरव का कोई ऐसे ही क्लास चलती, शायद म्यूजिक वगैरह की कोई क्लास चल रही थी, तो वो इसी तरह से लेट पेट के ही करता है, सीरियस होके नहीं करता। म्यूजिक है, डांस है, क्लासेस ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती में करता है। और ये देखो परी मैडम बस अब इनको फैला करके और खेलेगी। लो ये तो धूम करो, फिर ताकत आई गेम खेलने में। थोड़ा सा फिनिश करो, थोड़ा सा फिनिश करो। पियो पियो पियो। और लंच से पहले एक सर्विंग होती है उसकी फ्रूट की, तो वाटरमेलन, मोस्टली वाटरमेलन या मस्कमेलन ही लेते हैं हम। तो वो खा नहीं रही थी, तो मैंने उसको अपनी गोदी में बिठा करके खिलाया कि चलो खाओ। तो वो फर्स्ट जो सर्विंग है वो लंच से पहले हो जाती है, तो यहाँ पे मैं उसको वाटरमेलन खिला रही हूँ। तो दो बार तो आपको दिन में बच्चों को फ्रूट देने ही चाहिए, जैसे दो ग्लास दूध या दो कप दूध बच्चों को चाहिए, उसी तरह से दो सर्विंग फ्रूट की देनी ही चाहिए। वन थर्टी पे होती है प्री की क्लासेस, जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो वो हम लेते हैं उसकी क्लासेस। तो वो कभी कभी दो बजे तक और कभी 2:15 तक चलती है। दो बजे तक तो चलते ही हैं, सवा दो भी हो जाते हैं, तो वो क्लासेस हम उसके अटेंड करते हैं, जिसमें वो काफ़ी कुछ सीखने को उसको मिलता है। तो ये मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इन फ्यूचर जो एक्टिविटीज़ उसकी और क्या क्या हुई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप वो एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं या नहीं, तो मैं उसको दूसरे चैनल पे, ऐसी चैनल पे इंक्लूड कर लूंगी। उसके बाद टाइम होता है लंच का। तो लंच में स्पेशली कुछ ऐसा नहीं बनता, जो नॉर्मली हम खाते हैं वही परी खाती है, जैसे रोटी सब्जी है, उसके साथ लस्सी सैलेड और वो सब चीज़ें, या खिचड़ी दलिया जो भी बनता है वो वही खा लेती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि रोटी पे आधा चम्मच एक चम्मच घी जरूर रखती हूँ, क्योंकि घी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एनर्जी का काम करता है। तो वो सिंपल सा खाना जो हम घर पे खाते हैं सेम वो वही खाते, कुछ अलग से मिर्च मसाला उसको नहीं चाहिए होता। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में परी क्या करती है, क्लासेस अटेंड करने के बाद और लंच करने के बाद वो सो जाती है, अराउंड 3 बजे के आसपास वो सोती है, 5 बजे तक होता है उसका सोने का टाइम। तो शाम को इवनिंग टी में वो हमारे साथ बिस्किट लेती है, या फिर पापड़ वगैरह जो भी मन होता है वो ले लेती है, या फिर एक ब्रेड का स्लाइस लेती है नमक डाल के, घी में उसको मैं सेक के और ना उसके ऊपर नमक डाल के उसको देती हूँ, तो वो लेती है। तो कल आ गई थी बहुत तेज बारिश, आप लोगों को पता है शाम को दिल्ली में तो आई थी मतलब काफ़ी तेज, तो वो हम सब लोग बाहर बैठ के इंजॉय करते, लेकिन आंधी आ गई थी और उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश हो गई थी। तो ऐसा जो मौसम होता है ना, बच्चों को इनके साथ में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि अभी क्या है, स्ट्रोम आया है, बारिश आई है, उसको कैसे इंजॉय करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ें भी बच्चों को सिखानी चाहिए। तो हमने जब आंधी आई तब थोड़ा सा बंद कर दिया, और फिर जब बारिश आई थी तो हम उसको लेकर के बाहर ही बैठ गए थे बालकनी में, ताकि वो इन चीज़ों को नेचर के साथ भी बच्चों का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनको पता होनी चाहिए वो चीज़ें। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए, तो मैं हम परी को लेकर के बाहर बैठे थे और इन्जॉय कर रहे थे, ताकि वो भी नेचर को इन्जॉय करना सीखे। तो हम लोगों ने फिर बाहर बैठ के इन्जॉय किया था। तो ये होता है परी के शाम का टाइम उसके उठने के बाद। तो अभी तो बच्ची है, इतना कुछ ऐसा उसका फिक्स नहीं है। उसके बाद उसको हम एक्टिविटी करवाते हैं जो क्लास में आज होता है, कोई भी कलरिंग का है या कुछ और उसको बताया जाता है, कुछ लेटर वगैरह, तो वो उसके साथ हम इंजॉय करते हैं। और ऐसा कुछ बैठ के स्ट्रिक्टली पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे ही खेलते खेलते जैसे उसको कलर दे दिया, जैसे ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसको ब्लू कलर दे दिया, कुछ कलर करने के लिए दे दिया, जैसे भी वो करना चाहे। तो उसको समझाती हूँ मैं, जैसे कि इसके अंदर आपको करना है, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे हाथ रखो ताकि पेज ना उड़े, फिर कलर करो, तो हाथ पे कलर करने लग गई। तो बस ऐसे ही है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, उनकी एक्टिविटी हो जाती है, कुछ सीखने को भी मिलता है, तो वो एक्टिविटीज फिर उसकी शाम को वो करती है। लेकिन स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि नहीं ये पढ़ने का ही टाइम है या कुछ एक्टिविटी का ही टाइम है तो वही करना है, जब मूड हो उसका तो आप बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग ही उनके साथ इंटरेक्शन करें, उसको करवाए, ताकि उनको वो बर्डन भी ना लगे और वो उस चीज़ को इंजॉय करके सीख भी लें। तो मेरा तो यही मानना है, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है।
कि आपको क्या लगता है उसकी एक्टिविटी के बाद में उनको जो थोड़ा सा मुझे लगता है थक गए हैं, अब काम करके दोनों खेलते भी हैं फिर स्टडी भी करते हैं, तो उस टाइम पे फिर मतलब अराउंड 7 बजे के आसपास डिनर से 1-1.5 घंटा पहले मैं उनको दूध देती हूँ और उस टाइम पे फिर मैं पीडियाश्योर दे देती हूँ। तो नीरा को 2 स्पून दे रही हूँ और परी को 1 स्पून। तो ये नीरा का कभी जल्दी दे देती हूँ कभी लेट देती हूँ, तो जैसे भी होता है, लेकिन पीडियाश्योर मैं उनको शाम के टाइम पे एक बार जरूर देती हूँ दोनों को। और ये काम किया है दोनों ने, तो ये नीरा ने परी की हेल्प की है, परी ने जितना कलर किया उसके बाद नीरम ने उसको कर दिया। और दूसरा पेपर तो आपने देख ही लिया परी ने क्या हाल किया है रेड कलर से, तो रेड एंड ब्लू उसको इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कलर। हाँ ठीक है ठीक है, हेलो कर दो सबको, हेलो, चलो परी लो। और परी शाम को नहा चुकी है और उसके बाद परी बन जाती है शफा। शफा एक चैनल है जिसको परी देखती रहती है, तो वो लड़की ऐसे ही भागती रहती है, परी भी ऐसे बोलती है पापा शफा को पकड़ो, पापा शफा को कंगी करो, ऐसे बोलेगी परी। और विनोद परी के पीछे पीछे, तो इस टाइम पे नहा लेते हैं क्योंकि मिट्टी में सारा दिन खेलते रहते हैं ना, थोड़ा ऐसा लगता है। तो इस टाइम पे परी नहा लेते क्योंकि विनोद नहाने जाते हैं, तो परी फिर मानती नहीं है, तो वो भी उसके साथ नहाती है शाम को। और फिर बस उसकी शरारतें चलती है और कुछ नहीं होता जब तक कि वो सोएगी नहीं, ऐसे ही पूरे घर को सिर पे उठा के रखती है इधर से उधर। तो आई थिंक कि आपको आज उसकी शैतानियां पता चल गई होगी, वो कितनी शैतान है, कितनी शैतानियां करती है, कितना परेशान करके रखती है सारा दिन, लेकिन अच्छा भी लगता है ये सब। और ये टाइम है उनके अब डिनर का, तो डिनर से पहले या बाद में कभी भी वो जो सेकंड मैंने सर भी आपको बताई थी फ्रूट्स की ले लेते हैं, लेकिन आज नहीं हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ वो खाते रहते, तो आज उन्होंने फ्रूट्स मना कर दिए। तो ऐसा कुछ फिक्स भी रूल नहीं है कि हाँ है तो है मतलब, लेकिन देने चाहिए तभी उनका जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो डिनर कर रहे हैं तो सब बैठ के एक साथ मिलके ही डिनर करते, मैं गर्मा गर्म बना देती हूँ फिर मैं बाद में मैं भी ले लेती हूँ क्योंकि ठंडी रोटी फिर अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं गर्म गर्म देती हूँ। भिंडी की सब्जी है, अचार, लस्सी और रोटी, तो ये सब चीज़ें हैं। और परी सेम ऐसे ही खाती है, उसको छोटी छोटी बाइट दे दी जाती है और परी उसको अपने आप फिर खा लेती है। खाना खाने के बाद दोनों बहन भाइयों का स्क्रीन टाइम होता है, तो दोनों अपना बैठ के परी वीडियो देखती है, नीरव अपना वीडियो देखता है, गेम खेलता है, जो भी होता है। तो हाफ एन आवर का उनका जो स्क्रीन टाइम है वो चलता है, टोटल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया गया है, आधा घंटा दिन में आधा घंटा वो शाम को जब भी उनका मन करे अपना 1 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो कम्प्लीट कर लेते हैं। तो परी का ऐसा नहीं है कि परी को 1 घंटा ही है, मतलब वो कभी बीच में देखती है छोड़ देती है ऐसा है, तो मतलब पूरा ये नहीं कि 1 घंटा ही उसको करना है। तो सब अपना दूध फिनिश कर चुके हैं लेकिन परी ने दूध नहीं पिया, तो मैं उसको पिला रही हूँ अपने में से ही, जो मैं पीती हूँ उसको पिला रही हूँ। तो वो वैसे खुद ही मांग लेती है, जब सारे पीते हैं तो खुद मांग लेती है, लेकिन अभी आप देख रहे हो नाराज चल रही है, वो नाराज हो रखी है, बात ही नहीं कर रही क्योंकि अभी दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ी है मुझसे, और इसीलिए ऐसे मुंह बना के लेटा हुआ है और परी अपना नाराज हो रखी है। तो उसको तो 2-4 बार प्यार से बोलूंगी तो मान जाएगी। तो यहाँ पे सोने से पहले मैं उनको दूध जरूर देती हूँ, तो नीरव ने तो फिनिश कर दिया, परी को मैं ट्राई कर रही हूँ दूध पी ले थोड़ा बहुत, 1 कप भी दूध पी लेगी तो वो बहुत हो जाता है। बेड टाइम से पहले दूध मैं जरूर देती हूँ दोनों ही बच्चों को, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन पी लिया परी ने, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, चाहे आधा कप ही पिए तो उसने दूध पी लिया है। और अब सोने से पहले उनकी अपनी जो मस्ती है वो चलती रहती है, विनोद नीरव परी तीनों अपना लगे रहते मस्ती में और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो सोने से पहले उनकी थोड़ी सी मस्ती हो जाता है, खुश होकर सोते हैं तो बच्चे अच्छी नींद भी सोते हैं। तो ये था परी के आज के पूरे दिन का रूटीन, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। चलो बाय कर दो, तभी बाय करो, बाय कर दो, गुड नाइट।